माय डियर कैंडिडेट, आप जॉब हंट ड्राइव, ये 267th जो जॉब हंट ड्राइव है, ये कल का जो जॉब हंट ड्राइव है, हम लोग 270 के करीब पहुंचने वाले हैं। ये एक बहुत लंबा प्रयास, बहुत बड़ा विज़न जो हम लोग लेकर के चले हैं कि हमारे, हम लोगों के पूरी सोसाइटी में जो ग्रेजुएट भी हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, काफ़ी उससे जॉब कर रहे हैं, उनको एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये जो प्रयास किया गया है, उन सब में आप लोगों की जो सजेशंस हैं, आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स हैं, और कंपनीज़ का भी मैं बहुत धन्यवाद करूँगा जो लगातार अपनी रिक्वायरमेंट को शेयर कर रहे हैं, और हम लोग एक मिशन में काम कर रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जॉब हंट ड्राइव प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है, जिसमें सैटरडे को कंपनीज़ को हम लोग एक साथ लाने का प्रयास करते हैं, फ्राइडे को कंपनीज़ में इन्विटेशन जाते हैं। माय डियर कैंडिडेट, पूरा जोश भर लीजिए। कंपनीज़ का प्रोफाइल जो है, आज बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल थी जो टच नहीं हो रही थी, उनमें भी आया है। पहले मैं रुद्रा रियल इस्टेट की बात करूँ, ये सीनियर प्रोफाइल की एक बात कर दूँ, क्योंकि उनका अलग से फ़ोन आया था, सबसे पहले मैं उसी को एड्रेस कर रहा हूँ। DGM सिविल के लिए उनको एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, बहुत डिटेल रोल एलिजिबिलिटी है। BTech सिविल अगर आप हैं और लंबा एक्सपीरियंस है आपके पास में, तो आपके लिए ये प्रोफाइल बहुत बढ़िया हो सकती है, और बहुत बढ़िया है भी। इवन आई शुड से जो पैकेज है इसमें, पैकेज मोर देन 30-40 लाख के ऊपर का है ये पैकेज। जो लोग 40 लाख प्लस पैकेज चाहते हों, उनके लिए ये पैकेज है। डिटेल इसकी आपको चूँकि नहीं बताई जा सकती है, पूरा डिटेल बहुत है, लखनऊ कानपुर दोनों में ये रिक्वायरमेंट है। रुद्रा रियल इस्टेट, मैं बेसिक बात बता दूँ आपको, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का इसमें नॉलेज ज़रूर चाहिए, और ये इंजीनियरिंग प्रोफाइल जिन्होंने बहुत लंबे समय से काम किया हो, मैं उसकी भी डिटेल पर नहीं जा रहा हूँ। मैं और इनकी अदर प्रोफाइल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। रुद्रा रियल इस्टेट में टेली सेल्स एंड मार्केटिंग के कैंडिडेट चाहिए जिनका एक्सपीरियंस 1-3 ईयर का है। ये नॉर्मल बात है, जिनका पैकेज नॉर्मली 1.50-2 लाख तक हो सकता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो थोड़ा सा कम होगा। पूरा डिटेल उन्होंने दिया है, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत डिटेल है इसमें। सीनियर एग्जीक्यूटिव CRM बैक ऑफिस में इनको चाहिए, और इसका पैकेज भी 2.5 लाख के लगभग जा सकता है। इनको आर्किटेक्ट चाहिए, सीनियर आर्किटेक्ट चाहिए, UX एंड डिज़ाइन आर्किटेक्ट चाहिए इनको। जैसा एक्सपीरियंस होगा पैकेज वैसे ही बढ़ता जाएगा, लास्ट सैलरी पैकेज के ऊपर ही जाएगा ये। इसमें जो इनको चाहिए, कोऑर्डिनेशन विद रिव्यू एंड स्ट्रक्चरल, MBA कंसल्टेंट एंड आर्किटेक्ट जो भी हों इसमें, ये प्रोफाइल्स में एक बार बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आकर के पूरा डिटेल ले लें, शेयर कर लें, और इनको प्रोफाइल आज और 1-2 दिन के अंदर में शेयर करने को मैंने इनको इंश्योर किया है। तो जो कैंडिडेट सिविल के होंगे उनके लिए ये एक बहुत पॉजिटिव ऑप्शन हो सकता है। सिविल, टेली सेल्स जिसमें सिविल नहीं है, बैक ऑफिस के लिए सब प्रोफाइल्स आपके पास में, 4 प्रोफाइल्स उन्होंने दी आर्किटेक्ट, जिसमें अगर आप में से कोई भी रिलेटेड हैं वो अपनी प्रोफाइल को शेयर करें। JD पहले लें, JD के अकॉर्डिंगली रिज्यूम में क्या चीज़ आपके किस अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, उसका भी एक गाइडेंस आपको यहाँ से मिल सकता है अगर आप चाह रहे हैं तो। इस वो बहुत बड़ा काम करता है। और मैं आपको और अदर कंपनीज़ के लिए बता दूं, क्योंकि 3-4 बार जेगमनी माइक्रोनेट में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट फिर से रिवाइव हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव 2.5 लाख-6 लाख। उम्मीद हाउसिंग कानपुर, मुरादाबाद, फरीदाबाद 3 लाख-5 लाख ऑपरेशन मैनेजर। सिग्मा स्लॉटिंग रीजनल सेल्स हेड 10 लाख-15 लाख। लोहिया ग्रुप अकाउंट्स एंड फिनांस मैनेजर 40-60 के। IDFC बैंक लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर रिलेशनशिप मैनेजर NRI 25-40। रितु हाउसिंग में JK सीमेंट ग्रुप में मैनेजर लाइजनिंग 10 लाख-15 लाख। पैरामाउंट यूनिवर्सल रीजनल सेल्स मैनेजर 6 लाख-10 लाख। राधिका प्रिंट सीनियर अकाउंटेंट 3 लाख-5 लाख। ASG हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजर 3 लाख-6 लाख। सेल्जर होम केयर IT ऑफिसर 3.5 लाख-6 लाख। स्पार्क फाइबर BTech डिप्लोमा टेक्सटाइल प्रोडक्शन मैनेजर 60 पैकेज। RVB सोलूब फिटर एक्सपीरियंस मैकेनिकल सुपरवाइजर ऑफ सीट मेटल एंड डाई टूल्स एक्सपीरियंस मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर। सुपर हाउस एक्सपीरियंस मर्चेंडाइजर हैविंग एक्सपीरियंस इन गारमेंट इंडस्ट्री। सुपर हाउस इनको चाहिए अकाउंट्स कैंडिडेट। CA उनका 25 मार्च को CFO के साथ में नौ ऑफिस में इमीडिएट इंटरव्यू है। वेंटेक इंजीनियर सिविल ड्राफ्टमैन। रेनू ब्रॉडमैन फीमेल टेलीकॉलर फ्रॉम CBSE स्ट्रीम।
कपिला पशु जूनियर अकाउंटेंट फॉर जरीब चौकी, मैरिड फीमेल रिसेप्शनिस्ट, फीमेल मैरिड लोग ध्यान देंगे इसमें, किचन सोल्यूशन मैकेनिकल सुपरवाइजर हैविंग ए नॉलेज ऑफ मेजरमेंट, एक्सपीरियंस मार्केटिंग कैंडिडेट चाहिए, वैशाली डिस्ट्रीब्यूटर कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर डेटा एंट्री, सुपर हाउस कैशियर का इंटरव्यू सेट अभी एक दिन पहले हुआ, उसकी भी लिस्ट आने वाली है, पी एस एंटरप्राइजेस सीनियर अकाउंटेंट, मिनीमैक्स इंजीनियरिंग परचेज एग्जीक्यूटिव, कपिला पशु जूनियर अकाउंटेंट, जे एस सी आर सेल्स एग्जीक्यूटिव जूनियर अकाउंटेंट, ईस्टर्न ग्लोबल मल्टीपल वर्क एग्जीक्यूटिव इनको चाहिए, एक मल्टीपल जो वर्क कर ले एडमिन टाइप में, टेक्सटाइल प्रोडक्शन कम क्वालिटी सुपरवाइजर, कानपुर लॉजिस्टिक में फीमेल सीनियर अकाउंटेंट अकाउंट मैनेजर सी ए एम बी ए फिनांस, सी आर ई कम टेली ऑपरेटर, के एन फूड्स लैब केमिस्ट लैब इंचार्ज फाइव एस कोऑर्डिनेटर, कपिला पशु मार्केट परचेज एग्जीक्यूटिव, मॉर्निंग चॉइस डिस्पैच सुपरवाइजर, फूडिंग लॉजिंग फैसिलिटी इसमें इनको मिलेगी, प्रासी एडवर्टाइजर फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव वेल वर्स इन एम एस ऑफिस, अकाउंट असिस्टेंट एक्सपर्ट इन टैली रिसेप्शनिस्ट सॉफ्ट स्पोकन विद गुड इंग कम्युनिकेशन स्किल, प्रमोद मशीनरी कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर लेटर डिस्पैच वर्क, हिंदुस्तान मोटर कंप्यूटर ऑपरेटर विद हिंदी राइटिंग, पाउंसी एफ एम सी जी वाराणसी लखनऊ नोएडा रीजनल सेल्स मैनेजर एरिया सेल्स मैनेजर 6 लाख टू 10 लाख, मनोरंजन ग्रह एरिया सेल्स मैनेजर रीजनल सेल्स मैनेजर 3.5 लाख टू 8 लाख, पी एन सी इंफ्राटेक कानपुर लखनऊ मथुरा अकाउंट ऑफिसर सैप स्टोर कीपर एडमिन ऑफिसर 3 लाख टू 8 लाख, ज्ञान डेयरी एरिया सेल्स मैनेजर 4 लाख टू 6 लाख कानपुर, जी वी के ई एम आर आई हेल्थ सर्विसेज में आगरा इटावा इटावा मुरादाबाद स्टोर इंचार्ज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ फोर व्हीलर वर्कशॉप, नेटवर्क एडवर्टाइजर फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इसमें, सन केम इंडस्ट्री जूनियर अकाउंटेंट इंडस्ट्री सेल्स एग्जीक्यूटिव 25, श्यामा श्याम फैब्रिक फीमेल रिसेप्शनिस्ट, स्काई फ्लाई इलेक्ट्रीशियन चाहिए, किया मोटर्स फीमेल रिसेप्शनिस्ट, पी एस एंटरप्राइजेस एम आई एग्जीक्यूटिव, आदित्य फ्लेक्सी सेल्स कोऑर्डिनेटर, क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज फॉर पैकेजिंग मटेरियल, क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज फॉर प्रिंटिंग, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर 40 का पैकेज है, वी के पैकवेल ई कॉमर्स मैनेजर 40, ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव 25, परचेज एग्जीक्यूटिव 20, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव 20, सिविल इंजीनियर एक्सपीरियंस इनको चाहिए, एच आर पेरोल एग्जीक्यूटिव इनको 20 का पैकेज है, होंडा कार्स एच आर एग्जीक्यूटिव 4, बॉडी शॉप एडवाइजर 4, सी आर ई अरविंद टेक्नोक्रेट ये बेस्ट पैकेज है, इसमें दो लोग करीब आए हैं इस बार, बहुत मुझे खुशी हो रही है 40 लाख के पैकेज को शेयर करते हुए आपके साथ में, कोच्चि लखनऊ अहमदाबाद दिल्ली एन सी आर प्रोजेक्ट मैनेजर, ट्राइडेंट प्लांट हेड हैविंग एक्सपीरियंस एट रेल कोच 5 लाख टू 6-10 लाख, प्लांट हेड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मशीन शॉप, सी एन सी वी एम सी प्रोडक्शन मैनेजर सी एन सी वी एम सी 70 पैकेज है, एम एल ए रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग मैनेजर बी टेक बी एस सी विथ फ्लुएंट इंग्लिश गुड कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन स्किल, लिंक्डइन या अदर इनका जो प्लेटफॉर्म है उसमें ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ईस्टर्न ग्लोबल ई टेंडर एग्जीक्यूटिव बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, सुभाष मसाले प्रोडक्शन सुपरवाइजर, अल्ट्राटेक एम आई एग्जीक्यूटिव टी पी आई अंडर परचेज मैनेजर स्टोर मैनेजर ई टेंडर मैनेजर, हैवेल्स वेयरहाउस मैनेजर 10 लाख टू 12 लाख वेयरहाउस मैनेजर फॉर देहरादून लोकेशन, आई टी सी फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर, एफ एम सी जी सेल्समैन गोडाउन कीपर, बेनूमोंट कलेक्शन एग्जीक्यूटिव, तिरंगा अगरबत्ती एफ एम सी जी आर एस एम एस एम फॉर गाजियाबाद, सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर कानपुर लोकेशन, रोटोमेक पंप सुपरवाइजर प्रोडक्शन वेल्डर लेथ मशीन ऑपरेटर बोरिंग मशीन ऑपरेटर रोटर कटिंग ऑपरेटर सीएनसी मशीन ऑपरेटर इलेक्ट्रोलेटर में ये रिक्वायरमेंट है, ब्लिस कैपिटल में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव है। माय डियर कैंडिडेट, ये मेजर कंपनीज मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, आप सबका मोटिवेशन खुद का बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपको इस पैकेज में इस कंपनी में आपको शॉर्टलिस्ट वेब पोर्टल से यूट्यूब चैनल से लगातार 4 से 5 वीडियो देखने के बाद में माइसोर जॉब डॉट कॉम में नोटिफिकेशन देखने के बाद में, और मैंने देखा नोटिफिकेशन आने के लिए आपको यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब भी करना है, साथ में बेल आइकॉन के साथ में ऑल नहीं करेंगे नोटिफिकेशन अपने साथ में नहीं आएंगे, माइसोर जॉब डॉट कॉम के पोर्टल में भी अलाउ आपको नोटिफिकेशन तभी आपके पास में आएंगे जब आप अलाउ करेंगे क्रोम में माइसोर जॉब डॉट कॉम, कई मैंने देखा भी कई लोग ये पूछने लगते हैं आप आईडी बन चुका है आपका अगर, तो नॉर्मल सी बात है, ये आप बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप अपने हैबिट पैटर्न में ले आइए। कल का जॉब हंट ड्राइव सबके लिए कंपलसरी है, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए, लेकिन इस उम्मीद के साथ नहीं आएंगे कि सारी कंपनीज जो मैंने बताई आपको वो सारी कंपनियाँ कल यहीं पर अवेलेबल होंगी, कुछ के टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होंगे, कुछ में सीधे आपको जाना पड़ेगा, कुछ के इंटरव्यूज़ यहीं पर होंगे, कुछ में देर बैठना भी होगा, प्रोफाइल की कॉपी लेकर के आएंगे, 5 से 6 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, 5 to 6 कॉपी यू मस्ट हैव अलॉन्ग विद यू,
अलाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वन यू मस्ट हैव अ ड्रेसिंग सेंस, आपके पास अपने आप खुद होगा प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस कंपनीज में क्या काम करता है, ये मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत रहेगी। बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल हैं जो मैंने सारी प्रोफाइल नहीं शेयर करी, उसके लिए आप लास्ट 3 डेज के 4 डेज के वीडियोज़ को देखने की आदत जरूर डालें। फिर भी कुछ मिसिंग हो सकती है जो लगातार होती रहती है, इसको ना ध्यान में देते हुए फिजिकल भी जब कभी आप आते हैं तो उसके लिए भी हम लोग अपनी ओर से आपको देख करके प्रोफाइल सोच करके इमीडिएट क्लिक भी कर जाती है। और कई लोगों को ऐसी ज्वाइनिंग हुई है जिनको सामने शेयर करते करते उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, कंपनी में बात किया और वो इमीडिएट गए और उनकी ज्वाइनिंग हुई। कई ऐसे कैंडिडेट हैं माय डियर कैंडिडेट, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कई जगह पे ज्वाइनिंग किया है, उनको रिपोर्ट ऑफिस में करना होता है वहाँ से NOCs देने के लिए, क्योंकि एक सिस्टम को डेवलप किया गया है जिन कंपनीज में, कंपनीज भी कह रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी पे कई कैंडिडेट्स को जो आप भेज रहे हैं उनको आप अपनी जिम्मेदारी में उनका पुराना बैकग्राउंड ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए, और वो हम लोग कर रहे हैं लगातार। इसलिए सबको ये कंपलसरी है जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है, जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जो इमीडिएट वर्किंग कर रहे हैं, अगर वो किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं तो हम लोग उनको NOCs फर्निश नहीं कर पाएंगे। उसके लिए वो जो भी उनकी, क्योंकि यहाँ पे उनको NOCs देने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोसाइटी की बढ़ी और कंपनी की भी एक्सपेक्टेशन है, तो उसमें एक आपको अंडरटेकिंग में साइन करना है कि जो आपने रिकॉर्ड दिए हैं वो सारे रिकॉर्ड्स सही हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी कि आपके बेसिक जो रिकॉर्ड होते हैं चाहे वो आधार कार्ड से रिलेटेड हों। एक दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आधार कार्ड में भी मैनिपुलेशन किया है और वो कंपनीज में जब न्यूज़ जाती है तो वो हमारे पास में आ रही है कि आपने चेक नहीं किया गया। देखिए, हर एक कैंडिडेट का आधार नंबर चेक नहीं किया जा सकता कि वो सही है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने गलत नहीं किया होगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट कर रहे हैं रॉन्ग या फेक जब दे रहे हैं तो आप कुछ बेसिक चीज़ें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, इनमें आप मैनिपुलेशन अगर कर रहे हैं तो आप एक इलीगल वर्क भी कर रहे हैं। साथ में ऑफिसेज में मैंने देखा कई बार ऐसा है कि जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं और ऑफिस से जब कोई फ़ोन जा रहा है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो नॉन रिस्पॉन्सिव बिहेवियर रखते हैं। मैं आपको एक बार बता दूं, आपको आपका ये चीज़ नुकसान आपको खुद के लिए करती है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, वैसे तो मैंने मुझे बड़ी खुशी और प्राउड भी कहता हूं कि 99.99% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है ज्वाइनिंग के बाद में, जब उनको कोई कंपनीज मिलती है, मिलने भी आते हैं, वीडियो भी अपलोड करते हैं और खुशी भी अपनी एक्सप्रेस करते हैं और आगे बढ़ने के लिए भी कहते हैं सर मुझे जिन कंपनीज में जाना है। मैं आपको एक इतनी बात बता दूं कि संस्कार सोसाइटी एक बहुत लंबे समय से 20 ईयर्स से अगर वर्क कर रही है, बहुत अपने डेडिकेटेड एफर्ट्स के साथ में, केवल ये कंसल्टेंसी नहीं है, सोसाइटी है जो लगातार काम कर रही है, अपने और भी डेडिकेटेड जो इनकी इस पे हमारा जो डिफरेंट हमारे कॉलेज और संस्कार स्किल मॉडल कॉलेज और IME जो रहा है बहुत लंबे समय से जो हम लोगों ने काम किया है उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और कंपनीज का जो पूरा ग्रुप है उससे भी बहुत सारे रेफरेंसेस की जो ज्वाइनिंग साथी उन्हें मदद मिलती है। जैसे भी अंशिता की ज्वाइनिंग आपने देखी, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी गुड़गांव में 53 पैकेज में है, ये एक रेफरेंस बेस्ड ज्वाइनिंग है जिसमें पहले से कोई कैंडिडेट ने हमारे यहाँ से वर्किंग करा था उसने ज्वाइनिंग दी है। इंस्ट्रूमेंटेशन में आशुतोष को जो ज्वाइनिंग मिली है जिसके लिए जॉब यहाँ देना मुश्किल हो रहा था ऐसे फ्रेशर में, बाहर ज्वाइनिंग, ये रेफरेंस बेस्ड ज्वाइनिंग है। तो संस्कार सोसाइटी जॉब एंड ड्राइव का बहुत लंबा बैकग्राउंड रहा है। मैं सभी कैंडिडेट से कहूँगा जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो ये जरूर ध्यान रखें, आगे के ट्रैक रिकॉर्ड को ठीक करना आपको है। कानपुर की, लखनऊ की सभी कंपनीज में हम लोग पहुँच चुके हैं, 99.99% 0.01% रह गई होंगी जो नहीं आती होंगी। इसलिए आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें, आपको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और डेटा को मैनिपुलेट नहीं करना है, सही चीज़ें सब जगह देनी है, और आपकी जो अदर की हैबिट्स हैं, किसी की ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, किसी की कुछ हैं, इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। इसमें भी हम लोग आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी और चीज़ें सब अच्छी हो। कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, और उन लोगों को भी मैं एडवाइस भी दे रहा हूँ और एक वार्निंग भी दे रहा हूँ, आप सबको एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो संस्कार सोसाइटी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाते आपके लिए एक्शन लेने के लिए उसके हाथ में ओपन है वो। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव mysurejob.com। कल का जॉब ऑन ड्राइव मिस नहीं करेंगे, प्रोफेशनल होकर के आएंगे, पेशेंस के साथ आएंगे, पॉजिटिव सोच करके आएंगे। थैंक यू।